केंद्रीय मंत्री पीएल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? देखिए माने बाबूजी, कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि आज पूरे प्रदेश भर से हमारे उनके फॉलोअर्स और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आए हैं। माने बाबूजी, कल्याण सिंह जी का जीवन जिस तरह से संघर्ष का जीवन रहा है, अदरौली के पास एक मड़ौली के गांव से लेकर के, तब मैं कहूँगा को संघर्ष और संघर्ष के साथ साथ भाजपा को परचम तक पहुँचाने का काम, और माने बाबूजी ने 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर की जो रास्ता बनाने का काम किया था, मुझे लगता है कि जब तक भगवान राम के मंदिर की चर्चा होगी, माने बाबूजी के कल्याण सिंह जी का नाम भी हमेशा ऊपर रहेगा। वो चूंकि मेरे राजनीतिक गुरु थे और मेरे जैसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, ये अलग बात है कि मुझे सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिला है। केंद्र में सरकार में मंत्री हो, माने बाबूजी का विशेष आशीर्वाद, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व पार्टी का आशीर्वाद, तब मैं कह सकता हूँ हजारों हजार कार्यकर्ता इस तरह के माने बाबूजी को हमेशा अपना श्रद्धा का योग मानते हैं और साथ ही साथ उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। सर, आज भारत बंद भी किया हुआ है, तमाम राजनीतिक दलों ने उसका समर्थक किया है, मायावती ने किया, अखिलेश यादव ने किया, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। भारत बंद क्यों किया है ये पूछे, मुझे कोर्ट के निर्णय को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर के भारत बंद नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ माने प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी सरकार पूरी तरह से SC हो, ST हो, OBC हो, आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, और जिस तरह से संविधान की झूठी अफवाह फैला करके इन लोगों ने जनता को गुमराह करने का काम किया, मुझे लगता है कि संविधान जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, संविधान में कितने पन्ने हैं ये जानते नहीं होंगे, तब मुझे लगता है कि भारत बंद का आह्वान जो करने वाले लोग हैं वो स्वयं कन्फ्यूज हैं। माने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, सभी को बराबर सम्मान और आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया। आपने सुना BL वर्मा जी केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत सारी बात कही और कहा आरक्षण का लाभ सभी लोगों को दिया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।